हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टैग। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए कस्टम यूआरएल कैसे बना सकते हैं, कैसे उसे अनेबल कर सकते हैं। तो कस्टम यूआरएल अनेबल करने के लिए आपके चैनल पे 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। नंबर 1, आपके चैनल पे 100 सब्सक्राइबर होने चाहिए कम से कम। नंबर 2, आपके चैनल 30 दिन ओल्डर होना चाहिए, आपका चैनल कम से कम 1 महीने पुराना होना चाहिए। नंबर 3, आपके चैनल पे प्रोफाइल पिक्चर लगी होनी चाहिए। और नंबर 4, आपके चैनल पे बैनर इमेज लगी होनी चाहिए। तो प्रोफाइल पिक्चर और बैनर इमेज अगर आपको बनानी नहीं आती तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या आई बटन में भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर ईजिली उसे सीख सकते हैं। तो आपके चैनल पे जब ये 4 कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो उसके बाद यूट्यूब आपके चैनल पे कस्टम यूआरएल का ऑप्शन इनेबल कर देता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अगर आप ये मोबाइल से करना चाहते हैं तो आपको मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और उसे डेस्कटॉप वर्जन में कन्वर्ट कर लेना है, और उसके बाद इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो जैसे कि मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन किया हुआ है तो यहाँ पे हमें टाइप करना है www.youtube.com, और आपको अपने जीमेल अकाउंट से अपने यूट्यूब अकाउंट जिस नाम से आपने चैनल बनाया हुआ है उस वाले जीमेल अकाउंट से आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, उसके बाद आपको इस टॉप राइट कॉर्नर वाले इस आइकन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको जाना है यूअर चैनल पे। यूअर चैनल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका चैनल इस तरीके से खुल जाएगा। उसके बाद आपको कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो आपके सामने खुल जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, लेआउट, ब्रांडिंग, बेसिक इन्फो। हमें बेसिक इन्फो पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें स्क्रॉल डाउन करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चैनल यूआरएल, और यहाँ पे ये एक ऑप्शन आ रहा है सेट ए कस्टम यूआरएल फॉर योर चैनल। तो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है, ये ऑप्शन आपका जब ही अनेबल होगा जब आपके चैनल पे वो 4 कंडीशन फुलफिल होंगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। तो मेरी भी ये जब वो 4 कंडीशन फुलफिल हो गई थी तो उसके कुछ दिन बाद ये अनेबल हुआ था। तो इस पे आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कस्टमर एक इसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर दिया है हमारे चैनल के नाम से। ठीक है, आप इसे रख सकते हैं या फिर आप अपनी तरफ से बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे खुद का भी बना सकते हैं इस पे क्लिक करके। यहाँ पे आप ऐड लेटर्स और नंबर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे चैनल के लिए ये वाला अवेलेबल है जो इसने मुझे शो किया है, तो मैं इसी पे रहने देता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में पब्लिश पे क्लिक करना है, और उसके बाद ये आपको कन्फर्म करने के लिए बोलेगा कि आपको यही रखना है। तो मैं यहाँ पे कन्फर्म कर दूंगा। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कस्टम यूआरएल यहाँ पे ये सेट हो गया है। इसके बाद हम यहाँ इसे कॉपी कर सकते हैं और सर्च करके देखेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरा चैनल खुल गया है। तो इस तरीके से आप कस्टम यूआरएल बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आप अपने चैनल के लिए कस्टम यूआरएल कैसे इनेबल कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।